हेलो, माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं एक ट्रेलर देखने जा रहा हूँ, ट्रेलर रिव्यू करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है शिद्दत और मैंने इसका ट्रेलर देखा नहीं था। मैंने सोचा कि लाइव देखते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसा लगा वो ट्रेलर। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर। अगर तुम पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टरडैम में मिलती। दुनिया के किसी भी गली कूचे गांव चक्के से तुम्हें ढूंढ निकालता क्योंकि तुम मेरी किस्मत। आई लव यू यार। तूने मुझे किस किया? आई जस्ट गिव यू सीपीआर। हमारे यहाँ पे से किसी कहते हैं, हमारे यहाँ तुझ जैसी को चूतिया कहते हैं। ओ जाना है एक बार तेरी रूह के पार। यू डोंट लव मी। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हूँ। हमारे बीच प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। इश्क वाला तेरा चढ़या कुमार तेरे बिन मेरे। तुमने अपनी शादी के बारे में बताया क्यों? शादी तो यहाँ पे आने से पहले फिक्स थी ना। लेकिन मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो अपने मंगेतर को बोला ना। आई लव यू। हम दोनों शादी करेंगे लेकिन उससे पहले ना तगड़ा वाला अफेयर करें। सिर्फ प्यार के लिए शादी नहीं होती। कार्तिका, अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो तूने सच्चा प्यार देखा ही नहीं। क्या होता है ये प्यार, कैसे निभाते हैं इसे? कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के सबसे लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग प्यार में पूरी दुनिया से लड़ पड़ते हैं। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, शिद्दत। वो लड़की तेरा पेट नहीं कर रही, तेरी उससे शादी नहीं होगी। तेरे तरह की कहानी खत्म, इट्स ओवर। एक बात पूछूं जल्दी, वाहिनी बाहर देख, चांद दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। वेट फॉर ईच अदर है हम लोग। सो ये था ट्रेलर फिल्म का एंड बहुत ही वेल शॉट ट्रेलर है। ऑफ कोर्स बहुत पैसा लगाया है इसमें। सनी कौशल विकी कौशल के भाई हैं, छोटे भाई, और इन्होंने कुछ टाइम पहले एरी की वेब सीरीज़ की थी। उसके बाद एक फिल्म के लिए ये साइन भी हुए थे जो मैं लिख रहा था, फिर वो फिल्म बनी नहीं, फिर क्या हुआ उसका मुझे पता भी नहीं। और राधिका मदान टीवी के एक्ट्रेस हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। जब मैं इनको टीवी में देखता रहा तभी से मुझे पता था बंदी बहुत टैलेंटेड है और मुझे अभी तक लगता है कि ये क्यों फिल्मों में उतना काम नहीं मिल रहा इनको जितना मिलना चाहिए। क्योंकि इसने गलत तरीके से शुरुआत की, इसने शुरुआत ही इंडिपेंडेंट फिल्मों से करी। आई डोंट नो क्यों, मतलब इतनी टीवी की बड़ी स्टार होने के बाद या अच्छे खासे प्रोडक्शन हाउसेस में जाके काम ढूंढ सकती थी, पर इंडिपेंडेंट फिल्मों से आप स्टार्ट होते हो तो जाहिर सी बात है जो बड़े बजट के फिल्म मेकर्स हैं वो आपकी तरफ देखना बंद कर देते हैं, आप टाइप पास हो जाते हो ना। सो खैर, अभी ये राइट ट्रैक पे हैं, अच्छी फिल्में, रोमांटिक फिल्में कर रही हैं जो कि एक्चुअली ए ग्रेड फिल्में हैं, वो होनी चाहिए। मोहित रैना लुक्स गुड, डायना पेंटी लुक्स गुड, बट अगेन मुझे फिल्म के साथ कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा लगता है कि यू नो ऐसा ये 50,000 बार देखा हुआ कॉन्सेप्ट है। एक लड़का लड़की मिलना चाहते हैं और मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है। इम्तियाज़ अली ने ये चीज़ शुरू करी है और इम्तियाज़ अली ने चालू कर दी और ये इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वही छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इसलिए मुझे साउथ इंडियन इंडस्ट्री थोड़ी सी बेटर लगती है, जो कि अभी भी वो ना अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। आप मतलब कौन से कल्चर से रिलेट करेगा? मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कुछ लोग जो प्यार करते हैं ना हमारी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में जो लोग प्यार करते हैं ना, उनकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैसे की। कमाना धमाना तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब सिर्फ प्यार करो और उसमें क्लब्स में जाओ। आई थिंक एवरी फिल्म जो अभी बॉलीवुड में बन रही है उसको ना किसी क्लब वाले का कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, या उनको लगता है कि लाइफ वही होती है। जब तक आप क्लब में नहीं गए तब तक आपको प्यार हो ही नहीं सकता, आपको क्लब में जाना ही जाना है। एक डांस तो होता है, सारे लोग क्लब में आते हो, मतलब भारत की 0.01% आबादी क्लब जाती होगी, और आधे ज़्यादा शहरों में तो क्लब है नहीं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, इन सब बड़े बड़े मेजर सिटीज़ में ही थोड़े बहुत क्लब्स हैं। अहमदाबाद में तो नहीं होगा, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, यही सब कल्चर है जो यूएस से आया है कि क्लब है जहाँ पे बहुत तेज गाना बज रहा होता है, वहाँ दारू मिली होती है और आप वहाँ पर लड़की से मिलते हो और वहाँ पर आपका प्यार शुरू होता है। कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं होता ना कि ऑफिस में बैठे हो, वो बड़ा डल सा लगता है, बड़ा बोरिंग सा लगता है, पर एक्चुअली सच्चा प्यार वहीं पर होता है। और मुझे लगता है कि आजकल फिल्म मेकर्स ना गट्स ही नहीं है उनको ना, वो उनके दिमाग में चलता है ना विजुअल्स इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, विजुअल्स में ना खूब लाइटिंग होनी चाहिए, खूब मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके अगर हम कुछ दिखाते हैं तो ऑडियंस एक्साइटेड होती है। ऐसा नहीं है,
बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अगेन बॉलीवुड में नहीं है, साउथ इंडिया में है, जो बहुत ही सिमिलर और सटल तरीके से प्यार को दिखाते हैं, गांव देहात का प्यार दिखाते हैं, शहर के मिडिल क्लास का प्यार दिखाते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इवन अभी जो लव स्टोरी आ रही है, जिसका मैं अभी थोड़े दिन पहले रिव्यू फिदा का कर रहा था, लव स्टोरी आ रही साईं पल्लवी और नाग चैतन्य की, दो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों की कहानी है जिसमें वो प्यार करते हैं और एक गोल से मिले हुए होते हैं। व्हाई कांट वी मेक फिल्म्स लाइक दिस, व्हाई अगेन अगेन वी मेक फिल्म्स लाइक दिस, जो धर्मा यशराज ऑलरेडी बना रहे हैं, क्योंकि वो तो भैया हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, उनके लिए लाइफ वही होती है कि आप क्लब में जाओ, स्पेन जाओ, मतलब जब तक दो लड़का लड़की कहीं हैंग आउट नहीं करेंगे और लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे और ट्रैवल नहीं करेंगे, तब तक प्यार तो हो ही नहीं सकता। और प्यार तो कंडीशनल होता है ना, कि मतलब जब तक आपके पास दोनों के पास पैसे नहीं है, पैसे का टेंशन नहीं, बाप पैसे कमा रहा है दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ना लाइफ में कोई गोल है ना एम्बिशन है, वो होनी नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि आप फ्री लाइफ जी रहे हो, आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, और ये भी कल्चर अमेरिका ने प्रमोट किया, सालों ने खुद ही ये कल्चर प्रमोट करके हम लोगों को ये इंडिपेंडेंट फ्री कल्चर दे दिया, और खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पे, दुनिया चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं वहाँ पे, पैसा कमाते हैं और दुनिया को ये ज्ञान देते हैं कि नो फ्री रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पैशन को फॉलो करना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, दिन में बैठ के 12 घंटे 16 घंटे कोडिंग करते रहते हैं, कौन सा अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, क्यूबिकल में बैठ के बीन बैग के ऊपर। तो आपका बेसिकली कट रहा है और आपका काटा जा रहा है ऐसी फिल्मों के द्वारा, मतलब पिक्चर अच्छी हो सकती है, हो सकता है कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, दिल बेचारा थी नहीं चली, अमेरिका में बहुत चली थी, इंडिया में नहीं चली, सुशांत सिंह की वजह से लोगों ने पिक्चर देख ली, पर अगर आप उस पिक्चर को देखो तो पिक्चर वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। वहाँ पर क्यों चली, क्योंकि वहाँ पर ये चल सकती है पिक्चर, वहाँ पर लोगों के पास पैसा है। इंडिया में आप क्यों उन 90% लोगों को जो एक्चुअली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी फिल्में बनाते हो, उनको दिखाते हो, उनका प्यार दिखाते हो, हम ज़्यादा कनेक्ट होंगे। मैं कभी ऐसे करके किसी लड़की के साथ कभी क्लब में नहीं गया, मैंने बहुत लोगों को बहुत लव स्टोरी सुनी है, बहुत कपल से मिला अपनी लाइफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जाए क्लब में गए थे किसी रैंडम लड़की से मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कल पेरिस चलते हो, जाके वहाँ पर बकवास करने लगते हो, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी ये फिल्मों में हो सकता है। पर ये फिल्में भी इतनी ज़्यादा चॉकलेटी हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा विजुअल्स पे फोकस होता है कि स्टोरी पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं। फिर सेकंड हाफ में उनका फिर वही पैथो शुरू हो जाता है, मोहित रहना होंगे, एक डायना पेंटी होगी, दोनों की शादी होगी, उनको भी नहीं मिला होगा, एक आदमी दूसरे की हेल्प कर रहा है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट घुसाएगा, साइकोलॉजिस्ट तो आजकल हर पिक्चर में घुस ही आता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के थ्रू स्टोरी बताना ईजी होता है, क्योंकि वो नरेट कर देता है आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं। सबसे डिफिकल्ट काम किसी भी फिल्म में ये होता है कि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे पब्लिक तक पहुँचाएं, किसी भी एक्टर के दिमाग में, कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं, तो वो दिखाने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल करते हो। तुम ये सोच रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम उस लड़की से अच्छा प्यार करते हो, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ये करना चाहते थे उसके साथ, और ये मतलब इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेंड्स, मतलब मैं तो ये फिल्म ट्रेलर देखकर ही शायद नहीं देखूंगा, अगर देखूंगा तो राधिका मदान ही देखूंगा, राधिका मदान मुझे अच्छी लगती है, इसलिए उसकी वजह से उसको देखने के लिए देख सकता हूँ कि उसका उसने कैसा परफॉर्म किया है, और बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी फिल्में देखने का। मतलब ये इस तरह की फिल्में मैं साउथ कोरियन फिल्में देख चुका हूँ, थाई फिल्में देख चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में, मतलब एक वेबसाइट थी अभी स्टार्स करके जो जिसने मुझे बैन कर दिया अभी, क्योंकि मैंने किसी मॉडरेटर के साथ कुछ लिख दिया था उसको, पर उसने 10 साल मेरा बहुत साथ दिया। मैंने इतनी साउथ कोरियन फिल्में देखी हैं, इतनी ताइवानीज़ फिल्में देखी हैं, थाई फिल्में देखी हैं, जापानीज़ फिल्में देखी हैं, जिसकी वजह से मुझे मतलब ऐसी फिल्में देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब एक और आ गई। मतलब उनकी फिल्में इतनी सटल, इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी होती है, उनकी लव स्टोरी बहुत प्यारी होती है। अगर देखना है तो उस पिक्चर को छोड़ो, के ड्रामा देखो जाके, जापानीज़ और कोरियन लव स्टोरी देखो, दे आर मच मोर ब्यूटिफुल एंड सटल, इतना लाउड नहीं होता है। खैर एनी वेज, अपनी अपनी ओपिनियन है, होता है आपको अच्छा लगाओ, आपकी चॉइस है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।